माई लव्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप यू ऑल डूइंग वेल। सो टुडे आई एम गोना रिव्यू वन मोर प्रोडक्ट फ्रॉम अर्थ रिदम। दिस वन इज द फाइटोसेरामाइड सेरामाइड कॉम्प्लेक्स डीप मॉइस्चराइजर, विच लुक्स लाइक समथिंग दिस। सो आई एम गोना टॉक अबाउट दिस प्रोडक्ट टुडे। सो इफ यू इंटरेस्टेड देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग, एंड इफ यू आर न्यू टू माई चैनल और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेक श्योर आप नीचे रेड सब्सक्राइब बटन को एक बार हिट करके उसको ग्रे कर दें। उसके बगल में बेल बटन बना है उसको भी हिट कर दें, सो दैट कभी कोई वीडियोज को आप मेरी मिस ना कर पाएं। और अगर आप मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हैं गाइज, देन मेक श्योर यू कम एंड फॉलो मी देयर टू स्टे अपडेटेड ऑन अपकमिंग वीडियोस। एंड देयर इज अ लॉट ऑफ स्टफ विच आई एम पोस्टिंग करंटली ऑन इंस्टाग्राम, देन कम एंड फॉलो मी देयर। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग अ मिनट लेट्स गेट स्टार्टेड। दैट्स हाउ दिस प्रोडक्ट लुक्स लाइक गाइज। ये ग्लास पैकेजिंग में आता है विद अ पंप ओवर द टॉप, एंड आप देख सकते हो कि मैंने इसको हाफ से ज़्यादा यूज कर लिया है। एंड इट्स अ सेरामाइड मॉइस्चराइजर, दैट मीन्स इसके अंदर सेरामाइड होने चाहिए। We gonna discuss the ingredients later. So सेरामाइड बेसिकली लिपिड्स होते हैं जो यू नो हमारा जो बैरियर लेयर है उसको फॉर्म करने में हेल्प करते हैं, बिकॉज जो हमारा स्किन बैरियर होता है दैट इज़ आई थिंक 70% फॉर्म्ड ऑफ लिपिड्स, लाइक फॉर्म ऑफ सेरामाइड्स। दिस इज अ सेरामाइड मॉइस्चराइजर, दैट मीन्स इट गोना हेल्प इन यू नो रिपेयरिंग योर बैरियर। आपका अगर बैरियर डिस्टर्ब हो गया है तो वो उस बैरियर को फॉर्म होने में हेल्प करेगा, एंड ये आपके जो मॉइस्चर है उसको रिटेन रखने में हेल्प करता है। सो दैट्स द बेसिक काम ऑफ दिस सेरामाइड। Now we're gonna discuss the ingredients. So first of all, इसके अंदर है distilled water, which is a base, and उसके बाद है इसके अंदर aloe vera leaf juice, which is hydrating, and उसके बाद है इसके अंदर ceramide NG. But I don't know exactly what percentage of ceramides they have used in this one. But yes, ceramides are there as a third ingredient. And उसके बाद इसके अंदर है capric triglyceride, which is a emollient, and उसके बाद इसके अंदर है sodium hyaluronate का cross polymers. Then it has styl alcohol, then it has styl ग्लूकोसाइड, उसके बाद इसके अंदर है विटामिन ग्लाइकोल, ऑल आर हाइड्रेटिंग ह्यूमेक्टेंट्स है, एंड देन उसके बाद इसके अंदर है राइस ब्रान एक्सट्रैक्ट, देन उसके बाद है इसके अंदर विटामिन ई, देन बेंजॉइल अल्कोहल, ग्लिसरीन एंड सॉर्बिक एसिड। सो ऑल ऑफ द इंग्रीडियंट्स आर प्रीटी फाइन, बट हियर आई डोंट नो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सेरामाइड, बट येस इट्स ऑन थर्ड नंबर। सो ऑफकोर्स इसका परसेंटेज अच्छा ही होगा। एंड इसकी कंसिस्टेंसी की बात करूँ गाइस, सो इट हैज़ अ वेरी वेरी स्मूथ कंसिस्टेंसी। आई जस्ट लव द कंसिस्टेंसी ऑफ दिस वन। यू सी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट फील होता है जब आप इसको अप्लाई करते हो, बहुत ही अच्छा फील होता है टू बी वेरी ऑनेस्ट। बहुत लाइट एंड बहुत सॉफ्ट फील होता है। ऑफकोर्स इट हैज सेरामाइड्स, बट द फ्रेग्रेंस ऑफ दिस वन, और आई वुड से द स्मेल ऑफ दिस वन इज नॉट एट ऑल प्लीजिंग। लाइक इट्स अ फ्रेग्रेंस फ्री प्रोडक्ट, ओके, दैट मीन्स इसके अंदर कोई फ्रेग्रेंस नहीं है। इट्स नॉट अनसेंटेड। नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अनसेंटेड एंड फ्रेग्रेंस फ्री प्रोडक्ट। लाइक अनसेंटेड में भी फ्रेग्रेंस यूज होती है, मास्किंग फ्रेग्रेंस यूज होती है, जिससे यू नो जो फ्रेग्रेंस है उसको मास्क किया जाए, मतलब उसको दबा दिया जाए ताकि आपको वो कोई भी स्मेल आपको आए ना, तो उसमें भी फ्रेग्रेंस ही यूज होती है। बट दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज फ्रेग्रेंस फ्री, इसके अंदर कोई फ्रेग्रेंस नहीं है। दैट्स वाई इट स्मेल्स वेरी वियर्ड। लाइक टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब फर्स्ट टाइम मैंने इसको यूज़ किया था, अगर मुझे वो क्लिप मिलेगा मैं ऑफकोर्स बीच में इंसर्ट कर दूंगी। सो जब मैंने इसको फर्स्ट डे ओपन किया, एंड मुझे थोड़ी आदत है कि यू नो मैं हर चीज़ को पहले सूंघती हूँ, तो जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम यूज़ किया तो आई स्मेल इट लाइक फॉर 2-3 times, एंड आई कांट टेल यू, यू वोंट बिलीव, यू नो मुझे वॉमिट आ गया उसके बाद। लाइक आई वॉज लाइक दिस, यू नो। सो इतना गंदा इसका स्मेल था, एंड आई थिंक उसके बाद कम से कम हफ्ता भर तो मैं इसको मतलब इसकी तरफ देख भी नहीं पाई। एंड मैंने इसको फिर अपने हस्बैंड को दिया। आई वॉज लाइक मे बी आई एम ब्रेस्ट फीडिंग, सो मेरा नोज थोड़ा सेंसिटिव है, सो मे बी यू नो मुझे ये स्मेल अजीब सी लग रही है, तो मैंने अपने हस्बैंड को दिया। देन ही वॉज परफेक्टली फाइन, ही वॉज लाइक अच्छी नहीं है बट ठीक है, लाइक ओके नॉर्मल, सो ही इज़ दैट काइंड ऑफ पर्सन। तो उन्होंने ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया, एंड ही वॉज द वन हु वॉज यूजिंग दिस वन। सो आफ्टर वीक और कुछ टाइम के बाद आई थॉट कि लेट मी ट्राई दिस वन अगेन। तो जब मैंने दोबारा इसको ट्राई किया, उस टाइम मैंने इसको इनहेल नहीं किया। आई ट्राइड कि यू नो मैं इसको इनहेल ना करूँ, जिस टाइम मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ मैं ज़्यादा सांस ना लूँ, इसको स्मेल करने की कोशिश ना करूँ। तो उस टाइम पर जब मैंने इसको यूज़ किया तो दैट वॉज फाइन।
लाइक मैंने कुछ वैसे ही 3-4 बार उसी तरह से यू नो सांस बंद करके देन उसको अप्लाई किया एंड थोड़ी देर के बाद वंस इट अब्सॉर्ब उसके बाद आपको नहीं स्मेल आता है, लेकिन जितने टाइम पे आप उसको अप्लाई करोगे ये यू नो जब तक आप इसको अच्छे से मसाज करोगे अपने स्किन पे तो आपको बहुत वियर्ड सा गंदा सा स्मेल आता है एंड इफ़ यू आर सेंसिटिव टू सच फ्रेग्रेंसेज तो आपको वॉमिट भी आ सकता है। बट यस ट्राई करें कि इसको ज़्यादा इनहेल ना करें, स्मेल को ज़्यादा सूंघने की कोशिश ना करें वरना आपको वॉमिट आ सकती है। बट ऑल एंड ऑल अगर फ्रेग्रेंस को एक तरफ गंदी सी स्मेल को अलग से रख दें, जो भी इसका है अंदर जो भी डला हुआ है आई थिंक उसी का मिक्सचर की कुछ वियर्ड सी स्मेल है, सो अगर उस स्मेल को साइड पे रख दें सो इट्स अ रियली रियली गुड मॉइस्चराइजर एंड आई जस्ट लव दिस वन। लाइक यू नो मुझे यही हो रहा था कि यार ये बहुत ज़्यादा स्मूथ एंड सॉफ्ट फील हुआ, आई जस्ट वॉन्टेड टू ट्राई दिस अगेन, दैट्स वाई मैंने इसको दोबारा से स्टार्ट किया यूज़ करना एंड उसके बाद मैं ही इसको यूज़ कर रही थी, मैंने उनसे इसको ले लिया कि आप रहने दो मैं इसको यूज़ कर लूँगी। सो I was the one who was using this one and I am going to finish it off. So मैंने अभी recently Dr. Sheth का भी सेरसीका सेरामाइड सीरम लिया है, उसको मैं ट्राई करूँगी वो कैसा है। बट येस इफ यू आर लुकिंग फॉर अ सेरामाइड मॉइस्चराइजर सो यू कैन डेफिनेटली गिव दिस वन अ ट्राई, इट्स अ रियली रियली गुड प्रोडक्ट। या दैट्स इट, दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइज, आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, वीडियो हेल्पफुल लगी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में गाइज, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।